जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जैसे जैसे इसमें प्रयोग अर्थात प्रयास करते जाएंगे, सफलता की दर बढ़ती जाएगी। इसीलिए प्रयास अनवरत रूप से अगर किया जाए तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही थी उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को आगे की ओर ले चलेंगे। हमारी दो लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि टॉपिक्स बाय टॉपिक्स लेके हम पूरे एमसीक्यूज कितने बने जा सकते हैं, क्रम तरीके से क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो हमारी चर्चा आज होगी मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं उनके जो दूसरा टॉपिक है, अर्थात इनके संबंध में जो संवैधानिक प्रयास प्रावधान है, क्या है इनके संबंध में संवैधानिक जो प्रावधान है, उन समस्त पहलुओं पर कितने प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें किस किस तरह की चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर देखिए, जब हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनजातियों का उल्लेख कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो हर संविधान, चूँकि जनजाति भी भारत के नागरिक हैं, तो संविधान के कोई भी विषय क्यों ना हो वो सब लागू होते हैं इन पे। लेकिन कहीं कहीं संविधान में प्रत्यक्ष रूप से डिनोट कर दिया गया है कि जो अनुच्छेद है, ये जो भाग है, ये जो संशोधन है, ये जो अनुसूची है, वो किन के लिए है? अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के लिए है। तो हम उन्हीं विषयों पर आज अपने एमसीक्यू सीरीज़ की चर्चा करेंगे। देखिए, संवैधानिक प्रावधान में क्या हो सकते हैं, या तो अनुच्छेद हो सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330। इसी प्रकार मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है, जैसे 15(4), 15(4)(a), 16(4), 16(4)(a), तो अनुच्छेद हो सकते हैं, या फिर कोई भाग हो सकता है, जैसे भाग 3, भाग 4। उसी प्रकार भाग 15, भाग 16 में क्या उल्लेख मिल जाता है, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कुछ उल्लेख मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है कि हमारी जो अनुसूचियां हैं, हमको पता है कि वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में जो अनुसूची 5 और अनुसूचित 6 जो है वो मुख्य रूप से किसकी बात करती है, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के बारे में जिक्र करती है, ये हो सकता है। या फिर एक और विषय हो सकता है, वो हो सकते हैं क्या आपके संविधान संशोधन, हो सकते हैं। फिर कुछ न्यायिक निर्णय भी हो सकते हैं, जैसे संविधान संशोधन के जो 77 अमेंडमेंट था, 81 अमेंडमेंट था, 84 अमेंडमेंट था, 87 अमेंडमेंट था, उन सब के मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अपने निर्णय दिए हैं। कई सारे समय समय पर आरक्षण के विषय को लेकर निर्णय दिए हैं। जैसे संविधान संशोधन में ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस सन में संविधान संशोधन करके 10-10 वर्षों के लिए SC ST के आरक्षण के प्रावधान को बढ़ाया गया, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान के संशोधन के तहत SC ST समुदाय वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 16(4)(a) कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(4) किसके तहत जोड़ा गया, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम इन्हीं मुद्दों पर जितने प्रश्न बने हैं उन सब की आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों पर आते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए बगैर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 342(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 343(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 344(1)(c) और ऑप्शन डी अनुच्छेद 366(1)। आपको इसका जवाब देने की आवश्यकता है, जल्दी से कमेंट में इस जवाब को लिख दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा क्या, अनुच्छेद 342(a)।
इसकी चर्चा हम इसके पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए अनुच्छेद 342 ए में क्या लिखा है, इसका उल्लेख मिलता है 366-25 में, 366 के खंड 25 में, जहां पर अनुसूचित जनजातियों के परिभाषा का उल्लेख मिलता है उसमें यह लिखा है कि वही परिभाषा होगी जिसके अंतर्गत 342(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति ने जितनी जातियों को अनुसूचित कर दिया है। तो 342(a) में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल से सलाह ले लेता है, सलाह करके किससे, राज्यपाल से, राज्यपाल से सलाह लेकर के अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से एक क्या बनाएगा, एक अनुसूची बनाएगा, एक शेड्यूल बनाएगा जिसमें वो विभिन्न जनजातियों को शामिल कर लेगा, और उस अनुसूची में जो जो जनजातियाँ शामिल होंगी वही क्या कहलाएंगी, अनुसूचित जनजाति। तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। अब देखिए मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया था कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 366-25, अनुच्छेद 366-24, अनुच्छेद 342-24, अनुच्छेद 342-25। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 366-25। अनुच्छेद 366-25 में क्या लिखा है, अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। देखिए जो अनुच्छेद 366 है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 366 है, ये मुख्य रूप से संविधान के अंतर्गत वर्णित समस्त विषयों के, समस्त विषय कोई भी हो, चाहे GST हो, चाहे आपका जनजाति शब्द की परिभाषा हो, या जाति शब्द की परिभाषा हो, या फिर राज्य शब्द की परिभाषा हो, या आपकी व्यवसायिक क्षेत्र की परिभाषा हो, समस्त परिभाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 366 के अंतर्गत किया गया है। 366 के माध्यम से एक्चुअल में क्या किया गया है, संविधान को समझने के लिए आसान भाषा में शब्दावलियों को विस्तारित किया गया है जिससे हम संविधान को आसानी से समझ सके। तो 366 के 25वें खंड में किसकी परिभाषा मिलती है, अनुसूचित जनजाति की, और 24वें खंड में किसकी परिभाषा मिलती है, SC की मिलती है, मतलब अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति की परिभाषा मिलती है खंड 24 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा हेतु अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, ये मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश में जनजातियों संबंधित आरक्षित सीटें हैं वो कौन कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल, ऑप्शन बी भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन, ऑप्शन सी रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, ऑप्शन डी मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, कितने आरक्षित हैं, 6 ST है, उनमें से कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो आप इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल। अगर मैं बात करूँ तो 4 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, SC के लिए। वो 4 सीटें कौन कौन सी हैं, तो वो 4 सीटें जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, भिंड, देवास, टीकमगढ़ और उज्जैन, ये सीटें किसके हैं, तो आरक्षित हैं, SC के लिए आरक्षित हैं। अर्थात हमारे यहाँ लोकसभा में टोटल 10 सीट SC ST है तो आरक्षित हैं। तो ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का आधार कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था जो मुख्य रूप से किसके संबंध में था, SC वर्ग के लोगों से संबंधित था। इसमें क्या हुआ था, जो छुआछूत जैसा प्रावधान था उसको निपटान करने के लिए, उसको दूर करने के लिए संसद द्वारा एक विधि बना करके प्रयास किया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था जो 1955 में अपना रूप, मूर्त रूप लिया था। इसका नाम पहले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम था, लेकिन फिर 1976 में इसका नाम चेंज करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। 2019 के पहले जो सिलेबस था उसमें क्या हुआ था, इसको पहले एक्ट के रूप में पढ़ा जाता था, इसको शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो यही प्रश्न है कि ये कौन से अनुच्छेद को आधार बना करके ये लागू किया गया था।
हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 330। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। देखिए मूल अधिकार में जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता निवारण करना है। अस्पृश्यता निवारण के बारे में बात करता है और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके प्रति लेके हमारे हिंदू समाज में और हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था, उन सबको देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रावधान किया और इसको मूर्त रूप देने के लिए संसद ने एक कानून बनाया, उसको बोला जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके साथ ही एक और कानून बनाया था वो है एससी एसटी एक्ट 1989। अब देखिए अनुच्छेद 18 तो उपाधियों के अंत की बात करता है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है क्या, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 330 में तो आपको पता है कि इसमें लोकसभा में एससी एसटी की सीटों का आरक्षण है, तो ये बात हुई क्या हमारे इस प्रश्न को लेके हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जनजाति सलाहकार परिषद में ये मुख्य रूप से जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के जो राज्य हैं, मुख्य रूप से अनुसूची 5 के जो राज्य हैं उनमें जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। आपको बताना है इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 30। तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट में लिख दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20। देखिए जनजाति सलाहकार परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र होते हैं उनको प्रशासन रूप से बेहतर करने के लिए, बेहतर प्रशासन को मूर्त रूप देने के लिए एक परिषद गठन करेगा जो स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगी, जो वहाँ की राज्य सरकार होंगी वहाँ से स्वतंत्र होकर के एक कार्य करेंगी। अर्थात राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उस क्षेत्र पर लागू करने के लिए इस सलाहकार परिषद का क्या लेना पड़ता है, आपको अनुमोदन लेना पड़ता है, इससे क्या लेनी पड़ती है, एक परमिशन लेनी पड़ती है तभी ये लागू करवाता है। ये बात हो गई हमारी क्या जनजाति सलाहकार परिषद को लेके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 371 ज में किस राज्य का प्रावधान है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ज में क्या होगा, ज का इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा। तो सीधा सा है, जब पीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि अनुच्छेद 371 एच के बारे में लिखा होगा। तो आप वहां से कुछ ट्रिक बनती हैं इसके संबंध में, आप लोग भी ट्रिक बना लीजिएगा। जैसे इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे इसमें क्या इसका उल्लेख मिलता है, इसमें मिलता है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का जो 371 अनुच्छेद है उसमें जो ट्रिक है, तो उसका ट्रिक का बहुत आसान फॉर्म है, नाम आप का सिमी आलू गोभी कटहल। देखिए ये जो ट्रिक है ये 371 ए से संबंधित है, 371 ए मतलब ना, मतलब नागालैंड। ये किसकी बात कर रहा है, नागालैंड। नागालैंड की बात कर रहा है। ए मतलब हो जाएगा क्या, असम। यम मतलब क्या होगा यहां पर, मणिपुर। ए मतलब हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश। फिर एपी मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय। फिर सी मी मतलब, सी मतलब सिक्किम,
मी मतलब मिजोरम, आलू मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोभी मतलब गोवा, कटहल मतलब कर्नाटक। तो ये हमारा पूरा एक ट्रिक है। अब 371 ए में ये हो जाएगा तो बी में ये हो जाएगा, सी में ये हो जाएगा, डी में ये हो जाएगा, डी ए में ये हो जाएगा, फिर ई में ये हो जाएगा, एफ में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी तरह से चीज़ें चलेंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा प्रश्न रिपीट हो गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 330। तो इसका सही जवाब आपको मालूम है, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। देखिए, जब ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 को आधार मान के बनाया गया था। 35 में क्या उल्लेख मिलता है कि संविधान जो संसद है वो मौलिक अधिकारों के कल्याण के लिए, मौलिक अधिकारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कानून बना सकती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 35 का भी उल्लेख मिलता है। तो मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आ जाए और वहाँ पर अनुच्छेद 17 नहीं लिखा है, 35 लिखा है, तब भी आप उसको सही कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में पहली बार कब संशोधन करके SC ST आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वें संविधान संशोधन के उपरांत, ऑप्शन बी 8वें संविधान संशोधन के उपरांत, ऑप्शन सी 13वें संविधान संशोधन के उपरांत, या ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन के उपरांत। देखिए, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि प्रश्न इसी रूप में पूछा जा सकता है कि SC ST के आरक्षण को किस किस वर्ष करके बढ़ाया गया, कौन से संशोधन के द्वारा पहली बार बढ़ाया गया, या फिर वर्तमान में कौन सा संशोधन करके इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। तो इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 8वें संविधान संशोधन के उपरांत। देखिए, 8वां संविधान संशोधन 1959 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जो SC ST वर्ग के लिए लोकसभा और विधानसभा में, साथ ही एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको हम 1970 तक बढ़ाते हैं, 1970 तक बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया था। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान में ये लिखा गया था जो ये आरक्षण का प्रावधान है केवल संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक के लिए लागू रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और समय समय पर इसमें संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके 10-10 वर्ष करके इनकी डेट को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। तो अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है जो ये कहा है कि 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारी क्या बात हो गई, प्रश्न क्रमांक 8 पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, अनुच्छेद 371 ग में किस राज्य का प्रावधान है? अनुच्छेद 371 ग मतलब सी में किस राज्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैंने बताया था ना, नाम आपका, नाम ये माँ आया तो माँ में क्या, मणिपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो 371 बी में, सी में किसका वर्णन मिलता है, मणिपुर के बारे में, और वो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 टा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ब, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ना। तो इसका जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए, पंचायतों में मध्य प्रदेश की अगर बात करें, आप लोग जल्दी से उसका कमेंट लिख दीजिए कौन सा आंसर होगा, मैं तो बताऊंगा ही। मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% दिया गया है। जिस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया जाता है उसके एक तिहाई भाग में ये कहा गया है कि SC ST वर्ग को आरक्षण दिया गया है, जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो OBC वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दे, अर्थात पिछड़े जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दे। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में लगभग 27% की सीट का आरक्षण देती है पंचायतों में, 27% का आरक्षण क्या करती है, देती है पंचायतों में। आपको इसका जवाब देना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ, अर्थात डी। यही पूरी बात इसमें लिखी हुई है पंचायतों के
रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम अर्थात पेसा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996 या ऑप्शन डी 1998। जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कर दिया करिए इसके जवाब को। आप कभी भी इस वीडियो को देखें, जब भी आप इस टाइम पर रहा करेंगे उस टाइम पर आप कमेंट कर दिया करिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1996। देखिए 1994 में एक समिति बनती है, उस समिति का नाम पड़ता है क्या, भूरिया समिति। अब भूरिया समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, वो इसलिए गठित की जाती है कि जो जनजातीय क्षेत्र थे, जो जंगल में रहने वाले क्षेत्र थे, लोग थे, उनके क्षेत्र में बेहतर प्रशासन के लिए जो पंचायत हैं उनको स्थापित करने के लिए क्या करना था, सुझाव देना था। इसीलिए भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट 1996 में प्रस्तुत दी और उसी के आधार पर पेसा अधिनियम लाया गया, पेसा एक्ट लाया गया 1996 में, और जब ये रिपोर्ट आती है उसी टाइम पे इसको लागू कर दिया जाता है। तो ये बात हो गई कि इसमें पेसा एक्ट को लेके। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक प्रथम मंत्री होना अनिवार्य है, जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री होना अनिवार्य है, जनजातीय मंत्री होना अनिवार्य है, आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। देखिए आप देख रहे होंगे कि इसमें तीन ऑप्शन तो ऐसे होंगे, तीन जो राज्य हैं उसमें आप कॉमन चीज़ें मिलेंगे, कॉमन राज्य मिलेंगे, एक ही राज्य के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, आपको इसका जवाब देना है। तो वर्तमान में चार ऐसे राज्य हैं जिसमें एक विशेष मंत्री होता है जो जनजातीय मंत्री होता है, और ये राज्य हैं कौन से, ऑप्शन ए वाले अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा। तो ये चर्चा हो गई हमारी किसमें, प्रश्न क्रमांक 12 पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा प्रश्न है नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 ना, अनुच्छेद 243 टा, अनुच्छेद 243 घ। जल्दी से इसका प्रयास जवाब देने के प्रयास कीजिए, इसका जवाब आप लोग ही कमेंट में बताइएगा, इसका मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको इसका वो बता देता हूँ कि 243 टी के तहत दिया जाता है। अब आपको बताना है कि टी किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, आप लोग इसको कमेंट में देके बताइए। देखिए जिस प्रकार से पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं, जो सीटें होती हैं, उनमें भी एक तिहाई आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत ये कहा गया है कि जो OBC वर्ग होता है उसके लिए जब आरक्षण देने की बात आएगी तो राज्य सरकारों को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राज्य सरकार विधानमंडल में कानून बना करके किसी भी OBC जाति को अपने यहाँ सीटों पे आरक्षण दे सकता है। तो ये बात हो गई कि इसमें प्रश्न क्रमांक 13 पे, इसका जवाब दे दीजिएगा आप लोग कमेंट में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 पे चलते हैं कि ST आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 वर्ष। देखिए जो ST आयोग है, ST आयोग, इसका गठन सबसे पहले 65वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, वो SC ST आयोग के रूप में हुआ था, SC ST आयोग के रूप में 1990 में। लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उसके तहत 2003 में ये होता है और 2004 में ST आयोग को अलग कर दिया जाता है, ST आयोग को अलग कर दिया जाता है और एक और अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 338A। अब देखिए एक प्रश्न से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, 65वां संविधान संशोधन के बारे में पूछ सकता है, 89th अमेंडमेंट के बारे में पूछ सकता है, अनुच्छेद 338A के बारे में पूछ सकता है और अनुच्छेद 338 के बारे में पूछ सकता है, तो ये पूरी बातें पूछी जा सकती हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, 3 वर्ष।
आगे चलते हैं, आगे है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। देखिए अनुच्छेद 46 मतलब किसका है? डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या होता है कि राज्यों को भविष्य में योजना बनाने हेतु तो निर्देश मिलते हैं। राज्यों को भविष्य में योजना बनाने हेतु तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नियम लिखे गए हैं, एक निर्देश दिया गया है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो चुन के आएंगे, जो राजनीतिक इकाई चुन के आएगी, वो इसी दिशा में काम करेगी। तो डीपीएसपी के अनुच्छेद 46 पे ये लिखा है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि SC ST वर्ग के कल्याण के लिए, SC ST वर्ग के कल्याण के लिए। अब कल्याण कैसा हो सकता है? या तो उनका आर्थिक रूप से हो सकता है, या तो उनका शैक्षणिक रूप से हो सकता है, या फिर उनका सामाजिक रूप से हो सकता है। तो इन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। इन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो यही चर्चा कहाँ पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 46 पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे? आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 244 डी। देखिए अभी इसकी चर्चा मैं आपसे अभी कुछ देर पहले कर ही चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 डी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50% महिलाओं को क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। इसके पहले कौन से राज्य ने लागू किया था? तो प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार। बिहार ने सबसे पहले अपने क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। उसके उपरांत मध्य प्रदेश ये 50% आरक्षण को लागू करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, यहाँ सी उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, वो होगा क्या? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के बारे में कहानी मिलती है कि जब वो बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो कई सारे लोग बैठे हुए थे संविधान में, तो मूल अधिकारियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने देखा कि अगर इस तरह की चीज़ों को समाज में समाप्त करनी है, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को पहचाना कि कैसे समाप्त किया जा सकता है, कि व्यक्ति को अगर हम नीति निर्देशक तत्व को इसको इसमें शामिल कर देते तो राज्य का कर्तव्य होता कि राज्य इसके लिए क्या करे, प्रयास करे, और राज्य इसको अगर आगे चल के राजनीतिक मुद्दा बना देता, जातिगत मुद्दा बना देता, तो ये चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए इस विषय को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज से वंचित वर्ग हो गया है, जो छूट गया है वर्ग, जिसके साथ ऐसे भेदभाव देखने को मिलते हैं, वो अपने बातों को लेकर कहां पर जा सके? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके। इसलिए फिर इसको किस में शामिल कर लिया गया? मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो अनुच्छेद 17 की बात हो गई, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 पे चलते हैं। अनुच्छेद 371 खा में किस राज्य का प्रावधान मिलता है? खा मतलब बी, मतलब क्या है? बी। बी में किस राज्य का प्रावधान मिलता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। तो देखिए जो अनुच्छेद 371 है, अनुच्छेद 371 के तहत कई राज्यों को एक विशेष प्रावधान के तहत शामिल किया गया है, और इसमें अधिकतर राज्य कौन से वाले हैं? नेफा वाले। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो इस क्षेत्र के जितने राज्य, मतलब पूर्वोत्तर के राज्य इसमें शामिल हैं, पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। साथ ही बाद में इसमें संशोधन करके गोवा को भी शामिल कर लिया गया, कर्नाटक को भी शामिल कर लिया गया, महाराष्ट्र गुजरात भी इसमें शामिल हैं। तो कुछ आगे भी प्रावधान किया गया, लेकिन 371 मुख्य रूप से क्या करता है? विशेष प्रावधान का जिक्र करता है। आगे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, इसका संबंध अनुसूचित जनजातियों से नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि सभी अनुच्छेद तो संबंध रखते हैं अनुसूचित जनजाति से, क्योंकि वो हमारे भारत के नागरिक ही है, लेकिन कुछ अनुच्छेद सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 15(4), ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 51। तो देखिए 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता के बारे में लिखा है, मतलब ये लागू होगा। बी 15(4) है, इसमें सीधे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से क्या देने आरक्षण देने का प्रावधान है इसमें SC ST वर्ग के लिए, SC ST के लिए विशेष आरक्षण देने का प्रावधान है। 32 में मूल अधिकारों की प्राप्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए अधिकार है, मतलब यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब ये भी प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जिक्र मिलता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर उस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे कहाँ पर जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट याचिका दायर कर सकता है। फिर जो डी है वो है 51, अनुच्छेद 51 में एक्चुअल में हमारी अगर मूल रूप से बात किया जाए तो विदेश नीति का जिक्र मिलता है, विदेश नीति, और विदेश नीति का नॉर्मली हमें प्रत्यक्ष रूप से संबंध अनुसूचित जनजातियों से देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये भारत के नागरिक है, इसलिए सारी नीतियाँ जितने भी भारत सरकार के द्वारा जितने भी अनुच्छेद हैं सब किससे संबंधित होंगे, इनसे संबंधित होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 104वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। देखिए मैंने कहा था कि ऐसे संशोधन को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है पहला SC ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, बी एंग्लो इंडियन को दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी आरक्षण के प्रावधान को अनंत समय के लिए बढ़ा दिया गया। आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है ये 2019 में हुआ, 2019 के संशोधन के बाद इसमें यह प्रावधान किया गया कि 330 और 332 के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा में SC ST समुदाय को SC ST समुदाय को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, लोकसभा और विधानसभा में, उनको क्या कर दिया जाएगा, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही एक प्रावधान ये भी कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन वर्ग होता था जिनके लिए सीटें आरक्षित होती थी उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और समाप्त कर दिया गया मतलब इसको हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया, मतलब दोनों बात क्या है, सही है, मतलब उपयुक्त दोनों कथन सही है। अब देखिए अगर बात किया जाए कि कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 6 और 4, और विधानसभा की अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा में 47 सीट किसके लिए आरक्षित है, ST के लिए, और 35 सीट किसके लिए आरक्षित है, SC के लिए। इसी प्रकार अगर भारत में लोकसभा की बात की जाए, भारत में लोकसभा में भी 47 सीट किसके लिए आरक्षित है, ST के लिए आरक्षित है। तो ये बात हो गई किस पे, हमारी बात आरक्षण के मुद्दों को लेके हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 4थी अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 6वीं अनुसूची। तो आप देने का प्रयास कीजिए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों के, और इसका संबंध कहाँ से है, अनुच्छेद 244 वाले भाग से मिलता है। फिर 6वीं अनुसूची तो ATMM वालों को विशेष प्रावधान देता है, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ मणिपुर नहीं है, ये 4 राज्य हैं। ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत शामिल है। 4थी अनुसूची क्या बात करता है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व, मतलब सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, इसका जिक्र मिलता है। और अभी ये चीज़ चर्चा पे भी रही है, अभी कल ही चुनाव हुए हैं, उसमें ये देखा गया कि राज्यसभा की किस प्रकार उलटफेर हो, राज्यसभा के चुनाव को भी इतना मनोरक बना दिया गया था। जैसे हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या हुआ था कि वोटों को इधर से उधर किया गया था, कि जो इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के चुनाव में खुला मतदान होता है। खुला मतदान का अर्थ है कि जो पार्टी के सदस्य हैं वो दिखा के वोट देंगे कि हम इसको वोट दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कल के चुनाव में, ऐसा होता है हिमाचल प्रदेश में कि वोटों की कांग्रेस का वोट कहाँ पर चला जाता है, बीजेपी के पास चला जाता है। तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। फिर तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का क्या है, आवंटन का प्रावधान है। और तीसरी अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है, तीसरी अनुसूची में जितने भी जो संवैधानिक प्रशासनिक संवैधानिक और कार्यपालिक जो अधिकारी हैं, संवैधानिक और कार्यपालिक अधिकारी हैं, उनके शपथ का जिक्र मिलता है। शपथ का जिक्र मिलता है। तो ये बात हो गई किस पे, हमारी अनुसूचियों को लेके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 47 सीटें, ऑप्शन सी 50 सीटें, ऑप्शन बी 48 सीटें, ऑप्शन डी 46 सीटें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 47 सीटें। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में 47 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए, और 35 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए। मतलब टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं, 82 सीट क्या होती हैं हमारे यहाँ विधानसभा में आरक्षित होती हैं, किस वर्ग के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आपको बता देना है 82 सीटें। और फिर पूछा जा सकता है कि एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं, तो एससी के लिए 35 आरक्षित सीटें हैं। फिर मैंने आपको इसके बारे में, हमने जिलों का जिक्र भी किया गया था कि लोकसभा के लिए, लोकसभा में कौन कौन से जिले लोकसभा है, तो एसटी के लिए 6 जिले और एससी है तो 4 जिले, वो कौन कौन से जिले हैं ये पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके आप चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूची 5 में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए पांचवी अनुसूची में क्या मिलता है कि जनजाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में जिक्र मिलता है। तो इसके तहत 10 राज्यों को शामिल किया गया है, 10 राज्य शामिल हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो तेलंगाना शामिल है, कर्नाटक शामिल नहीं है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश में शामिल है, गुजरात भी शामिल है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि वो 10 कौन कौन से जिले हैं, सॉरी राज्य हैं जो इसमें शामिल है। तो सबसे पहले देखिए तेलंगाना है, तो तेलंगाना का भाई आ जाएगा, बड़ा भाई मतलब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्लस तेलंगाना। अब आप ऐसे ही पढ़िएगा तो आप भूलेंगे नहीं। फिर उधर गुजरात है, तो गुजरात किससे अलग हुआ था 1960 में, महाराष्ट्र से। तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र। फिर आ गया ये, फिर हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है इसके अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश बड़ा भाई हो गया, मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़ भी शामिल हो जाएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी भी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, राजस्थान, ये भी शामिल है। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वो भी शामिल है, प्लस ओडिशा शामिल है, प्लस झारखंड शामिल है। कितने हो गए, 10 राज्य हो गए। ये राज्य क्या है, किसमें शामिल हैं, आपके अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुसूची 5 के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल नहीं है, कुछ भी राज्य दिया जा सकता है। तो ये 10 आपको अगर पता रहेंगे तो आप चीज़ें आसानी से कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और गलत करने का प्रयास नहीं करिएगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, ऑप्शन बी संसद के कानून द्वारा निर्धारित,
ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा घोषित, ऑप्शन डी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे, इसके संबंध में वो राज्यपाल से क्या ले सकता है, सिफारिशें ले सकता है और फिर वहाँ पर प्रशासन करने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन कर सकता है। तो पूरी शक्ति किसके पास यहाँ पर है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति ये काम कभी स्वयं से नहीं करता, ये हमेशा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करेगा। ये बात हो गई हमारी प्रश्न क्रमांक 24 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पेशा अधिनियम का संबंध संविधान के कौन से भाग से है। पेशा एक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था, 1996 में ये लागू हुआ था और 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में ये शामिल हो गया, मध्य प्रदेश में ये लागू हो गया और 22 जिलों के साथ 89 विकास खंड में, 22 जिलों के 89 विकास खंडों में इसको लागू किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 9 ए। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पेशा अधिनियम का सीधा संबंध है पंचायतों के विस्तार से संबंधित है, पंचायतों का जनजाति के क्षेत्रों में विस्तार से संबंधित अधिनियम है और पंचायतों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है, भाग 9 में। तो पेशा का संबंध कौन से भाग से है, भाग 9 से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों की जाती है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। आप देखिएगा कि अधिकतर जो संवैधानिक निकाय हैं उनमें जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति इसका करेगा, इसका गठन किसके तहत किया गया है, 338 ए के तहत। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। इनके अगर संरचना की बात की जाए कि कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। और क्या होता है इनके बारे में कि अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनकी रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा एसटी वर्ग से ही होगा। और आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप इसको कभी भी देखिए, इस वीडियो को आप कभी भी देख पा रहे हैं उसी टाइम पे जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसको कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुसूची 5, ऑप्शन बी अनुसूची 2, ऑप्शन सी अनुसूची 3, ऑप्शन डी अनुसूची 7। देखिए, क्या है कि कोई नई चीज़ नहीं है, बस प्रश्न को किस प्रकार से घुमा सकता है पीएससी, हमने बस उसी प्रकार से करने का प्रयास किया है। अब ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पीएससी ऑलरेडी, इसको एसएसई जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्या किया गया है, पूछा जा चुका है। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसका जवाब तो बन ही जाएगा आप लोगों से। इसका सही जवाब होगा अनुसूची 5। अब देखिए, अनुसूची 5 के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, अनुसूची 3 के बारे में डिस्कस कर चुके थे, अनुसूची 2 देख लेते हैं, अनुसूची 7 देख लेते हैं। अनुसूची 2 में किसका जिक्र मिलता है, अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का जिक्र मिलता है, वेतन प्लस भत्ते। इसमें यह मिलता है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, CAG को कितना वेतन मिलेगा, फिर आपका जो आपके जो अन्य अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में तो नहीं उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, इन सबके वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुसूची 2 के तहत। फिर अनुसूची 7 में क्या मिलता है, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन मिलता है कि कैसे केंद्र और राज्यों के मध्य संघ सूची, संवर्ती सूची और संघ प्लस राज्य प्लस संवर्ती सूची में शक्तियाँ विभाजित हैं।
इन सब का जिक्र कहाँ पर मिलता है? अनुसूची 7 पर। तो पृथक्करण के सिद्धांत की जानकारी मिलती है, पृथक्करण। पृथक्करण बोल रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें संघवाद की जानकारी मिलती है। संघवाद, संघवाद की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? अनुसूची 7 से ही संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 जनवरी 1989, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1991, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1988। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990। और आपको बता दूं कि एस सी एस टी एक्ट 2019 के सिलेबस तक इसको पढ़ना पड़ता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अभी नवीन सिलेबस में 2020 वाले सिलेबस में भी इसको नहीं पढ़ना पड़ता था, और अभी भी इसको पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि जनजातियों को हमारे में जोड़ा गया है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो धारा 3 वो मुख्य रूप से किसके जिक्र करती है कि कौन कौन से वो कार्य होंगे जो आपराधिक होंगे, दुदंडनीय होंगे। तो दंड का प्रावधान व कार्यों का प्रावधान, इसमें कई सारे ऐसे कार्य दिए गए हैं जो अगर किए जाते हैं तो उसके संबंध में एसटी से संबंधित व्यक्ति न्यायालय के पास जा सकता है। और ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, इसके तहत जो अपराध है वो संज्ञेय होंगे, मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप जैसे ही अगर आपको लगता है, किसी भी पुलिस वाले को या न्यायालय को लगता है कि आपने, आपके शिकायत आई उनके पास, तो आपको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई इसके बारे में जांच नहीं होगी। हालांकि बीच में ऐसा प्रयास किया गया था 2018 में, जब दीपक मिश्रा CJI थे 2018 में, तो उन्होंने एक संशोधन किया था एस सी एस टी एक्ट में, उसमें एक धारा जोड़ी थी धारा 18A। लेकिन फिर इसमें बहुत सारा विरोध होता है। इसमें यह कहा गया था कि जब कोई ऐसे केस आएंगे तो उसकी सब प्रथम जांच की जाएगी, जांच के उपरांत अगर पाया जाता है कि वो व्यक्ति इस अपराध में संलिप्त है तो उसको सजा दी जाएगी, नहीं तो उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो शिकायत कर रहा है उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो धारा 18A जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में बहुत सारा विरोध होता है 2018 के टाइम पर, और इस धारा को समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा के अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 335। देखिए, अनुच्छेद 330 से लेकर 340 तक ऐसे प्रावधानों का उल्लेख मिला है जिसमें ये मिलता है कि जो कमज़ोर वर्ग है, समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या करना है? सशक्तिकृत करना है। इसके संबंध में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं कि वो एक आयोग का गठन कर सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें कर सकता है, जो संसद को ये निर्देश दिए गए हैं कि संसद ऐसे कानून बना सकती है जो इनके कल्याण के लिए सुनिश्चित हो सके। तो इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जब भी आरक्षण के संशोधन होते हैं, जैसे 104वां संविधान संशोधन हुआ, अगर उसमें पूछा जाए कि कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, तो एक संशोधन इसमें भी देखने को मिलेगा, एक संशोधन 334 में भी देखने को मिलेगा। 330 में तो देखने को मिल ही रहा था, 332 में देखने को तो मिल ही रहा था। तो जो SC ST वर्ग के संबंध में जो संशोधन होते हैं वो हमेशा किससे संबंधित होंगे? 335, 334, 330, 332, 15-4, 16-4, 16-4A जो प्रावधान दिए गए हैं वो किससे संबंधित हैं? अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रावधानों से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342A, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 344। तो इसकी बार बार हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 342A, जिस पर राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह करके किसी भी जनजाति को अधिसूचित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330।
330 में प्रावधान किया गया है और अभी वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए, 47 सीट लोकसभा में आरक्षित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के हेतु एक पृथक मंत्री होगा, ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है। देखिए, यह प्रश्न एक बार और पूछ चुका है पर उसमें 164(1) का उल्लेख नहीं था। 164 में किसका उल्लेख मिलता है? मंत्री परिषद का। कहाँ के मंत्री परिषद का? राज्य की मंत्री परिषद किन किन लोगों से मिलके बनेगी, तो इसमें सीएम के बारे में उल्लेख मिलता है और सीएम के मंत्री परिषद का। अब आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल शब्द आप बहुत सुनने में मिलता है, आप लोग सुनते भी होंगे, मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब? अब सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ कि 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इसमें जोड़ा गया था मंत्रिमंडल शब्द, लेकिन आपको बताना है कमेंट में कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद बताना है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। आप जब भी इस वीडियो को देखें उसमें आप कमेंट कर दें। अगर आप अभी देख रहे हैं तो अभी आप इसको कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी हमने देखा था कि लोकसभाओं में कितनी आरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है, अब बात हो रही है क्या राज्यसभा में कितने किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका सही जवाब है क्या? अनुच्छेद 332 और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी इसको क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की कितनी सीट हैं जो लोकसभा हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो वर्तमान में 6 सीट क्या है इसके लिए आरक्षित की गई हैं। टोटल 10 सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है एससी एसटी वर्ग के लिए, 6 सीट हैं एसटी के लिए, 4 सीट हैं किसके लिए? एससी के लिए। अब इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी चर्चा इस पर काफ़ी हो चुकी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371(6) में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। और अगर छ की बात करें तो ये जी है। 371(g) में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम का जिक्र कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 371(6) में। इसमें लिखा गया है कि जो मिजोरम है उसके प्रशासन के लिए क्या किया जाएगा, केंद्र द्वारा विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे, अभी इनमें कैसे सुनिश्चित किया जाता है? क्योंकि देखिए, ये जो क्षेत्र हैं इनमें मुख्य रूप से क्या करती हैं? जनजातियां निवास करती हैं और जनजातियों की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उनके विशिष्ट परंपराएं होती हैं, उनकी विशिष्ट एक पहचान होती है, उनका एक विशिष्ट भाषा होती है। तो कई बार हो सकता है कि विकासात्मक कार्यों के कारण, जैसे सड़कें बन रही हैं, रेल बन रही हैं, अन्य परियोजनाएं बन रही हैं, बांध बन रहा है, राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रयास चल रहा है, तो हो सकता है कि इनके अधिकारों का हनन हो जाए जो जनजाति क्षेत्र हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इनके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया, किसमें? 371 के तहत। अब 371 का जो प्रावधान है वो 370 से बिल्कुल अलग है क्योंकि 370 में जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया था और 371 में ये 5-6 जो राज्य हैं उनके लिए प्रावधान किया गया। तो 370 में तो ऐसा था कि एक तरह से एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सकते थे, लेकिन 371 के अंतर्गत जो राज्य हैं वो भारत के अधीन रहते हुए उनके थोड़े कानूनों में अगर तरलता ला दी जाए तो वहाँ पर बेहतर रूप से लागू किया जाएगा, पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा लेकिन तरलता के साथ। जबकि 370 में जब जम्मू कश्मीर का 370 होता था तो यहाँ पर क्या होता था कि वहाँ के जो विधानसभा होती थी उनके अनुमोदन के बाद वहाँ पर यहाँ के कानून लागू होते थे, केंद्र के कानून लागू होते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रश्न हो गया हमारा, 35वां प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को कवर किया गया है? अनुसूची 11, बी अनुसूची 5, सी अनुसूची 6, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अनुसूची 5, क्योंकि अनुसूची 5 में किसका उल्लेख मिलता है? 10 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 10 राज्यों का नाम आपको मैंने बता दिए हैं। 10 राज्यों में एक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और अभी क्या किया गया है इनको और बेहतर रूप से लागू करने के लिए? हमको पता है कि यहाँ पर 89 विकास खंड हमारे यहाँ के 89 विकास खंड किसके रूप में शामिल हैं?
जनजातीय विकास खंड के रूप में शामिल है। इसमें एक विकास खंड बहुत फेमस है, तामिया विकास खंड, तामिया जहाँ पर भारिया जनजात रहती है। और भारिया जनजाति की खासियत है कि इसको जंगलियों का जंगली कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? एक 51 सीट, बी 47 सीट, सी 50 सीट, डी 49 सीट। इसका सही जवाब होगा 47 सीट। ये कितना अच्छा कोइंसिडेंट है, या फिर ऐसे समझिए कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि जितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं एसटी के लिए, उतनी ही हमारे यहाँ विधानसभा में आरक्षित है किसके लिए? एसटी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम आराम से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 चा में किस राज्य का उल्लेख मिलता है, किस राज्य का प्रावधान दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 371 चा की अगर बात करें तो ये आएगा किसमें? एफ में, एफ में आएगा। तो आपको बताना है कि 371 एफ में कौन सा राज्य आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम। जो मैंने ट्रिक बताई थी, नाम आपका सिमी, गोभी, कटहल, आलू कटहल, तो उसमें क्या है, एफ वाले भाग में क्या आएगा? आपका सिक्किम आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(2)। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4)। अनुच्छेद 15(4) में हमारे मूल अधिकार के, जहाँ पर समानता के अधिकार का जिक्र मिलता है, तो वहाँ पर किसका जिक्र मिलता है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो जनजाति हैं उनके लिए क्या दिया जाएगा? आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, अनुच्छेद 338 का के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का उत्पन्न करता है, इसे किस संविधान संशोधन नियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो इसको मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। हमारे ऑप्शन है 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के तहत, या फिर 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। तो इसका सही जवाब होगा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो ये थी हमारी पूरी चर्चा आज के विषय को लेके। तो दोस्तों, फिर अगले टॉपिक पे आपके साथ मिलते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप बिना आईएएस से जुड़े रहिए, और अगली चर्चा हमारी होगी घुमंतू जनजातियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। का संबंध अनुसूचित जनजातियों से नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि सभी अनुच्छेद तो संबंध रखते हैं अनुसूचित जनजाति से, क्योंकि वो हमारे भारत के नागरिक ही हैं। लेकिन कुछ अनुच्छेद सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 15(4), ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 51। तो देखिए, 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता के बारे में लिखा है, मतलब ये लागू होगा। बी 15(4) है, इसमें सीधे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से क्या देने आरक्षण देने का प्रावधान है, इसमें SC ST वर्ग के लिए, SC ST के लिए विशेष आरक्षण देने का प्रावधान है। 32 में मूल अधिकारों की प्राप्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए अधिकार है, मतलब यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब ये भी प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का जिक्र मिलता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर उस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे कहाँ पर जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट याचिका दायर कर सकता है। फिर जो डी है वो है 51, अनुच्छेद 51 में एक्चुअल में हमारी अगर मूल रूप से बात किया जाए तो विदेश नीति का जिक्र मिलता है, विदेश नीति, और विदेश नीति का नॉर्मली हमें प्रत्यक्ष रूप से संबंध अनुसूचित जनजातियों से देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये भारत के नागरिक है, इसलिए सारी नीतियाँ जितने भी भारत सरकार के द्वारा जितने भी अनुच्छेद हैं सब किससे संबंधित होंगे, इनसे संबंधित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 104वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? देखिए, मैंने कहा था कि ऐसे संशोधन को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो हमारे ऑप्शन है पहला, एससी एसटी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बी, एंग्लो इंडियन को दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है। ऑप्शन डी, आरक्षण के प्रावधान को अनंत समय के लिए बढ़ा दिया गया। आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है ये 2019 में हुआ। 2019 के संशोधन के बाद इसमें यह प्रावधान किया गया कि 330 और 332 के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा में एससी एसटी समुदाय को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, उनको क्या कर दिया जाएगा, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही एक प्रावधान ये भी कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन वर्ग होता था, जिनके लिए सीटें आरक्षित होती थी, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त कर दिया गया मतलब इसको हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया, मतलब दोनों बात क्या है, सही है, मतलब उपयुक्त दोनों कथन सही है। अब देखिए अगर बात किया जाए कि कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 6 और 4, और विधानसभा की अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा में 47 सीट किसके लिए आरक्षित है, एसटी के लिए, और 35 सीट किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए। इसी प्रकार अगर भारत में लोकसभा की बात की जाए, भारत में लोकसभा में भी 47 सीट किसके लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है। तो ये बात हो गई किस पे, हमारी बात आरक्षण के मुद्दों को लेके हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन डी छठवीं अनुसूची। तो आप देने का प्रयास कीजिए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पांचवीं अनुसूची। पांचवीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों के, और इसका संबंध कहाँ से है, अनुच्छेद 244 वाले भाग से मिलता है। फिर छठवीं अनुसूची तो ATMM वालों को विशेष प्रावधान देता है, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ मणिपुर नहीं है, ये 4 राज्य हैं। ATMM असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत शामिल है। चौथी अनुसूची क्या बात करता है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, इसका जिक्र मिलता है। और अभी ये चीज़ चर्चा पे भी रही है, अभी कल ही चुनाव हुए हैं, उसमें ये देखा गया कि राज्यसभा की किस प्रकार उलटफेर हो, राज्यसभा के चुनाव का भी इतना मनोरक बना दिया गया था। जैसे हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या हुआ था कि वोटों को इधर से उधर किया गया था, कि जो इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के चुनाव में खुला मतदान होता है। खुला मतदान का अर्थ है कि जो पार्टी के सदस्य हैं वो दिखा के वोट देंगे कि हम इसको वोट दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कल के चुनाव में, ऐसा होता है हिमाचल प्रदेश में कि वोटों की कांग्रेस का वोट कहाँ पर चला जाता है, बीजेपी के पास चला जाता है। तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। फिर तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का क्या है, आवंटन का प्रावधान है। और तीसरी अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है, तीसरी अनुसूची में जितने भी जो संवैधानिक और कार्यपालिक अधिकारी हैं उनके शपथ का जिक्र मिलता है, शपथ का जिक्र मिलता है। तो ये बात हो गई किस पे, हमारी अनुसूचियों को लेके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 47 सीटें, ऑप्शन सी 50 सीटें, ऑप्शन बी 48 सीटें, ऑप्शन डी 46 सीटें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 47 सीटें। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में 47 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए, और 35 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए। मतलब टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं, 82 सीट क्या होती हैं हमारे यहाँ विधानसभा में आरक्षित होती हैं, किस वर्ग के लिए, एससी
एसटी वर्ग के लिए। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपको बता देना है 82 सीटें। और फिर पूछा जा सकता है कि एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं, तो एससी के लिए 35 आरक्षित सीटें हैं। फिर मैंने आपको इसके बारे में, हमने जिलों का जिक्र भी किया गया था कि लोकसभा के लिए, लोकसभा में कौन कौन से जिले लोकसभा है, तो एसटी के लिए 6 जिले और एससी है तो 4 जिले, वो कौन कौन से जिले हैं ये पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके आप चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूची 5 में शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, पांचवी अनुसूची में क्या मिलता है कि जनजाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में जिक्र मिलता है। तो इसके तहत 10 राज्यों को शामिल किया गया है, 10 राज्य शामिल हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो तेलंगाना, तेलंगाना शामिल है, कर्नाटक, कर्नाटक शामिल नहीं है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश में शामिल है, गुजरात भी शामिल है। तो हम आप बात कर लेते हैं कि 10 कौन कौन से जिले हैं, सॉरी राज्य हैं जो इसमें शामिल है। तो सबसे पहले देखिए, तेलंगाना है, तो तेलंगाना का भाई आ जाएगा, बड़ा भाई मतलब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्लस तेलंगाना। अब आप ऐसे ही पढ़िएगा तो आप भूलेंगे नहीं। फिर उधर गुजरात है, तो गुजरात किससे अलग हुआ था 1960 में, महाराष्ट्र से, तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र। फिर आगे आइए, फिर हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है इसके अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश बड़ा भाई हो गया, मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी शामिल हो जाएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी भी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, राजस्थान, ये भी शामिल है। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वो भी शामिल है, प्लस ओडिशा शामिल है, प्लस झारखंड शामिल है। कितने हो गए, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 राज्य हो गए। ये राज्य क्या है, किसमें शामिल हैं, आपके अनुसूची 5 के अंतर्गत शामिल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुसूची 5 के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल नहीं है, कुछ भी राज्य दिया जा सकता है। तो ये 10 आपको अगर पता रहेंगे तो आप चीज़ें आसानी से कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और गलत करने का प्रयास नहीं करिएगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, ऑप्शन बी संसद के कानून द्वारा निर्धारित, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा घोषित, ऑप्शन डी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे, इसके संबंध में वो राज्यपाल से क्या ले सकता है, सिफारिशें ले सकता है, और फिर वहाँ पर प्रशासन करने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन कर सकता है। तो पूरी शक्ति किसके पास यहाँ पर है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति ये काम कभी स्वयं से नहीं करता है, ये हमेशा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करेगा। ये बात हो गई हमारी प्रश्न क्रमांक 24 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पेशा अधिनियम का संबंध संविधान के कौन से भाग से है। पेशा एक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था, 1996 में ये लागू हुआ था और 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में ये शामिल हो गया, मध्य प्रदेश में ये लागू हो गया और 22 जिलों के साथ 89 विकास खंड में, 22 जिलों के 89 विकास खंडों में इसको लागू किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 9A। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पेशा अधिनियम का सीधा संबंध है पंचायतों के विस्तार से संबंधित है, पंचायतों का जनजाति के क्षेत्रों में विस्तार संबंधित अधिनियम है, और पंचायतों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है, भाग 9 में। तो पेशा का संबंध कौन से भाग से है, भाग 9 से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बड़ा ही आसान सा सवाल है,
अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों की जाती है? क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। आप देखिएगा कि अधिकतर जो संवैधानिक निकाय हैं उनमें जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति इसका करेगा। इसका गठन किसके तहत किया गया है? 338 ए के तहत। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। इनके अगर संरचना की बात की जाए कि कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। और क्या होता है इनके बारे में कि अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ST वर्ग से ही होगा। और आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि वर्तमान में ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ST आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप इसको कभी भी देखिए, इस वीडियो को आप कभी भी देख पा रहे हैं उसी टाइम पे जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसको कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुसूची 5, ऑप्शन बी अनुसूची 2, ऑप्शन सी अनुसूची 3, ऑप्शन डी अनुसूची 7। देखिए क्या है कि कोई नई चीज़ नहीं है, बस प्रश्न को किस प्रकार से घुमा सकता है PSC, हमने बस उसी प्रकार से करने का प्रयास किया है। अब ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है PSC ऑलरेडी। इसको SSE जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्या किया गया है, पूछा जा चुका है। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका जवाब तो बन ही जाएगा आप लोगों से। इसका सही जवाब होगा अनुसूची 5। अब देखिए अनुसूची 5 के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, अनुसूची 3 के बारे में डिस्कस कर चुके थे, अनुसूची 2 देख लेते हैं, अनुसूची 7 देख लेते हैं। अनुसूची 2 में किसका जिक्र मिलता है? अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का जिक्र मिलता है, वेतन प्लस भत्ते। इसमें यह मिलता है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, CAG को कितना वेतन मिलेगा, फिर आपका जो आपके जो अन्य अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में तो नहीं उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, इन सबके वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुसूची 2 के तहत। फिर अनुसूची 7 में क्या मिलता है? अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन मिलता है कि कैसे केंद्र और राज्यों के मध्य संघ सूची, संवर्ती सूची और संघ प्लस राज्य प्लस संवर्ती सूची में शक्तियाँ विभाजित हैं। इन सब का जिक्र कहाँ पर मिलता है? अनुसूची 7 पर। तो पृथककरण के सिद्धांत की जानकारी मिलती है, पृथककरण। पृथककरण बोल रहा हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें संघवाद की जानकारी मिलती है। संघवाद, संघवाद की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? अनुसूची 7 से ही संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 जनवरी 1989, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1991, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1988। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990। और आपको बता दूं कि SC ST एक्ट 2019 के सिलेबस तक इसको पढ़ना पड़ता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अभी नवीन सिलेबस में 2020 वाले सिलेबस में भी इसको नहीं पढ़ना पड़ता था और अभी भी इसको पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि जनजातियों को हमारे में जोड़ा गया है इसलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो धारा 3 वो मुख्य रूप से किसके जिक्र करती है कि कौन कौन से वो कार्य होंगे जो आपराधिक होंगे, दुदंडनीय होंगे। तो दंड का प्रावधान व कार्यों का प्रावधान, इसमें कई सारे ऐसे कार्य दिए गए हैं जो अगर किए जाते हैं तो उसके संबंध में ST से संबंधित व्यक्ति न्यायालय के पास जा सकता है। और ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम है इसके तहत जो अपराध है वो संज्ञेय होंगे, मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप जैसे ही अगर आपको लगता है, किसी भी पुलिस वाले को या न्यायालय को लगता है कि आपने आपकी शिकायत आई उनके पास, तो आपको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई इसके बारे में जांच नहीं होगी। हालांकि बीच में ऐसा प्रयास किया गया था 2018 में, जब दीपक मिश्रा CJ आई थे 2018 में,
तो उन्होंने एक संशोधन किया था एससी एसटी एक्ट में, उसमें एक धारा जोड़ी थी धारा 18A। लेकिन फिर इसमें बहुत सारा विरोध होता है। इसमें यह कहा गया था कि जब कोई ऐसे केस आएंगे तो उसकी सर्वप्रथम जांच की जाएगी, जांच के उपरांत अगर पाया जाता है कि वो व्यक्ति इस अपराध में संलिप्त है तो उसको सजा दी जाएगी, नहीं तो उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो शिकायत कर रहा है उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो धारा 18A जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में बहुत सारा विरोध होता है 2018 के टाइम पर, और इस धारा को समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा के अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 335। देखिए, अनुच्छेद 330 से लेकर 340 तक ऐसे प्रावधानों का उल्लेख मिला है जिसमें ये मिलता है कि जो कमज़ोर वर्ग है, समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या करना है, सशक्तिकृत करना है। इसके संबंध में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं कि वो एक आयोग का गठन कर सकता है या फिर ऐसी चीज़ें कर सकता है, जो संसद को ये निर्देश दिए गए हैं कि संसद ऐसे कानून बना सकती है जो इनके कल्याण के लिए सुनिश्चित हो सके। तो इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जब भी आरक्षण के संशोधन होते हैं, जैसे 104वां संविधान संशोधन हुआ, अगर उसमें पूछा जाए कि कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, तो एक संशोधन इसमें भी देखने को मिलेगा, एक संशोधन 334 में भी देखने को मिलेगा। 330 में तो देखने को मिल ही रहा था, 332 में देखने को तो मिल ही रहा था। तो जो एससी एसटी वर्ग के संबंध में जो संशोधन होते हैं वो हमेशा किससे संबंधित होंगे, 335, 334, 330, 332, 15-4, 15-16-4, 16-4A जो प्रावधान दिए गए हैं वो किससे संबंधित हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रावधानों से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342(1) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 344। तो इसकी बार बार हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 342(1), जिसपे राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह करके किसी भी जनजाति को अधिसूचित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330। 330 में यह प्रावधान किया गया है। और अभी वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए, 47 सीट लोकसभा में आरक्षित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के हेतु एक पृथक मंत्री होगा, ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है? देखिए, ये प्रश्न एक बार और पूछ चुका है, पर उसमें 164(1) का उल्लेख नहीं था। 164 में किसका उल्लेख मिलता है, मंत्री परिषद का। कहाँ की मंत्री परिषद का, राज्य की, कि राज्य की मंत्री परिषद किन किन लोगों से मिलके बनेगी। तो इसमें सीएम के बारे में उल्लेख मिलता है और सीएम के मंत्री परिषद का। अब आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल शब्द आप बहुत सुनने में मिलता है, आप लोग सुनते भी होंगे, मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब, अब सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ कि 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इसमें जोड़ा गया था मंत्रिमंडल शब्द। लेकिन आपको बताना है कमेंट में कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद बताना है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। आप जब भी इस वीडियो को देखें उसमें आप कमेंट कर दें, अगर आप अभी देख रहे हैं तो अभी आप इसको कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी हमने देखा था कि लोकसभाओं में कितने किस अनुच्छेद में किया गया है, अब बात हो रही है क्या राज्यसभा में कितने किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका सही जवाब है क्या, अनुच्छेद 332 और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की कितनी सीट हैं जो लोकसभा हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है?
तो वर्तमान में 6 सीट क्या है इसके लिए आरक्षित की गई हैं। टोटल 10 सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है एससी एसटी वर्ग के लिए, 6 सीट हैं एसटी के लिए, 4 सीट हैं किसके लिए एससी के लिए। अब इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी चर्चा इस पर काफ़ी हो चुकी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371(6) में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। और अगर छा की बात करें तो ये जी है। 371(g) में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। मिजोरम का जिक्र कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 371(6) में। इसमें लिखा गया है कि जो मिजोरम है उसके प्रशासन के लिए क्या किया जाएगा, केंद्र द्वारा विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे, सुनिश्चित किए जाएंगे। अब इनमें कैसे सुनिश्चित किया जाता है? क्योंकि देखिए, ये जो क्षेत्र हैं इनमें मुख्य रूप से क्या करती हैं, जनजातियां निवास करती हैं, और जनजातियों की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उनके विशिष्ट परंपराएं होती हैं, उनकी विशिष्ट एक पहचान होती है, उनका एक विशिष्ट भाषा होती है। तो कई बार हो सकता है कि विकासात्मक कार्यों के कारण, जैसे सड़कें बन रही हैं, रेल बन रही हैं, अन्य परियोजनाएं बन रही हैं, बांध बन रहा है, राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रयास चल रहा है, तो हो सकता है कि इनके अधिकारों का हनन हो जाए जो जनजाति क्षेत्र हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इनके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया किसमें, 371 के तहत। अब 371 का जो प्रावधान है वो 370 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 370 में जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया था और 371 में ये 5-6 जो राज्य हैं उनके लिए प्रावधान किया गया। तो 370 में तो ऐसा था कि एक तरह से एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सकते थे, लेकिन 371 के अंतर्गत जो राज्य हैं वो भारत के अधीन रहते हुए उनके थोड़े कानूनों में अगर तरलता ला दी जाए तो वहाँ पर बेहतर रूप से लागू किया जाएगा, पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा लेकिन तरलता के साथ। जबकि 370 में जब जम्मू कश्मीर का 370 होता था तो यहाँ पर क्या होता था कि वहाँ के जो विधानसभा होती थी उनके अनुमोदन के बाद वहाँ पर यहाँ के कानून लागू होते थे, केंद्र के कानून लागू होते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रश्न हो गया हमारा, 35वां प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को कवर किया गया है? अनुसूची 11, बी अनुसूची 5, सी अनुसूची 6, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अनुसूची 5, क्योंकि अनुसूची 5 में किसका उल्लेख मिलता है, 10 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 10 राज्यों का नाम आपको मैंने बता दिए हैं। 10 राज्यों में एक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और अभी क्या किया गया है इनको और बेहतर रूप से लागू करने के लिए? हमको पता है कि यहाँ पर नवासी विकास खंड, हमारे यहाँ के नवासी विकास खंड किसके रूप में शामिल हैं, जनजातीय विकास खंड के रूप में शामिल है। इसमें एक विकास खंड बहुत फेमस है, तामिया विकास खंड, तामिया जहां पर भारिया जनजाति रहती है। और भारिया जनजाति की खासियत है कि इसको जंगलियों का जंगली कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? एक 51 सीट, बी 47 सीट, सी 50 सीट, डी 49 सीट। इसका सही जवाब होगा 47 सीट। ये कितना अच्छा कोइंसिडेंट है, या फिर ऐसे समझिए कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि जितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं एसटी के लिए उतनी ही हमारे यहाँ विधानसभा में आरक्षित है किसके लिए, एसटी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम आराम से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371(4) में किस राज्य का उल्लेख मिलता है, किस राज्य का प्रावधान दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 371(4) की अगर बात करें तो ये आएगा किसमें, एफ में, एफ में आएगा। तो आपको बताना है कि 371(f) में कौन सा राज्य आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम। जो मैंने ट्रिक बताई थी, नाम आपका सिमी गोभी कटहल आलू कटहल, तो उसमें क्या है, एफ वाले भाग में क्या आएगा, आपका सिक्किम आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(2)। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4)।
अनुच्छेद 15(4) में हमारे मूल अधिकार के जहाँ पर समानता के अधिकार का जिक्र मिलता है, तो वहाँ पर किसका जिक्र मिलता है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो जनजाति हैं उनके लिए क्या दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, अनुच्छेद 338 का के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का उपबंध करता है, इसे किस संविधान संशोधन नियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो इसको मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, हमारे ऑप्शन है 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के तहत, या फिर 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। तो इसका सही जवाब होगा 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो ये थी हमारी पूरी चर्चा आज के विषय को लेके। तो दोस्तों फिर अगले टॉपिक पे आपके साथ मिलते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप बिना आईएएस से जुड़े रहिए और अगली चर्चा हमारी होगी घुमंतू जनजातियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।